Hello guys, this is Mansi from Vidyati. Coming to the next question. This is question number 20 of set number 3. The question says, a chord of a circle of radius 14 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. So, when I figure draw kar lete hain, ye hamare paas circle hai and hame given hai ki jo uski radius hai. Let's suppose, ye humne radius bana li. ठीक है, ये रेडियस मिलके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करे, मींस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है, आगे हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ इतनी चीज गिवन है और हमें गिवन है कि आपको अब इससे माइनर सेगमेंट निकालनी है. सो इनको पहले हम ज्वाइन कर देंगे कॉर्ड से इस तरह से. सो आपको एरिया किस चीज का निकालना है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका हमें एरिया निकालना है. यही है हमारे पास माइनर सेगमेंट, ये वाली मेजर सेगमेंट है, तो माइनर वाली यही वाली होगी, तो हमें इसका एरिया निकालना है. एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं, अगर मैं इस पूरे ये जो हमारे पास सेक्टर है इसका एरिया निकालू, मींस पहले तो इसको हम नेम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट ओ ए बी. सो यहां से ओ ए बी मीन्स ट्राइंगल की बात नहीं कर रही मैं, सेक्टर की बात कर रही हूं. सेक्टर ओ ए बी में से अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा जो मुझे फाइंड आउट करना है. सो ऐसे ही हम करेंगे. सबसे पहले देखो, ये जो ओ ए है ये 14 है, ओ बी है दैट इज ऑल्सो 14. सो यहाँ पे आई कैन राइट दैट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी. व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा. वाई, बिकॉज देखो OA 14 है, OB 14 है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये हमें मेंशन करना पड़ेगा दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, डन. सो एक चीज हमारे पास आगे कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है. सो नाउ ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री के. वाई, बिकॉज ऑफ दी एंगल सम प्रॉपर्टी. अभी तो बहुत बेसिक चीज है कि जो हमारे ट्रायंगल होता है उसके अंदर के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. सो सेम चीज हमने करी. नाउ ऊपर हमने बोला था एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, सो आई कैन राइट वॉइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब एंगल सी हमें, सॉरी दिस इज नॉट सी, दिस इज ओ, राइट, और एंगल ओ हमें कितना गिवन है दैट इज 60 डिग्री. ये ए बी और एंगल ओ है ना, सो जरा इसको कैलकुलेट कर लो. 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 60 हो जाएगा, और एंगल ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से हम 60 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा. सो एंगल ए हमारे पास आ गया 60 डिग्री. अभी हमें पता है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री. सो यहां से हमें मिल गया कि हमारा जो एंगल ए है वो भी 60 डिग्री है, एंगल बी वो भी 60 डिग्री है. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अब इसका यूज कहां होगा, जब हम यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल करेंगे, इसीलिए हमने वो एंगल फाइंड आउट करे हैं. सो नाउ moving ahead with the question. So now area of segment जो हमें find करना है that will be equal to area of sector. आप चाहो तो mention कर सकते हो sector OAB minus area of triangle OAB. ठीक है, so sector का formula क्या होता है, theta upon 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सो दैट विल बी रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर. यही होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, सो यहां से आगे बढ़ते हैं. थीटा क्या है, एंगल इज 60 अपॉन 360. पाई हमें 22 अपॉन 7 इन क्वेश्चन में गिवन है. आर स्क्वायर, आर क्या है 14 का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस 14 है तो 14 इंटू 14 माइनस रूट 3. रूट 3 की अगेन वैल्यू गिवन है विच इज 1.73, सो वी हैव टू पुट इट 1.73
अपॉन फोर, फोर का मतलब क्या है, सॉरी फोर एज इट इज लिख देंगे साइड स्क्वायर। साइड हमें क्या गिवन है, अब देखो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो साइड क्या है ट्रायंगल की, 14, सो ये हो जाएगा 14 × 14, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये 14 × 14 दोनों साइड दिख रहा है तो इसको तो कॉमन ले लेते हैं, सो ये हो गया 14 × 14 कॉमन ले लिया हमने, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, लिख सकते हो, या फिर आगे शायद कैलकुलेशन में कट हो जाएगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया 1/6, तो इधर से ही 14 × 14 गया, ये हो गया 1/6 × 22/7, इधर क्या बचेगा माइनस 14 × 14 तो बाहर चला गया, यहाँ पे बचा 1.73/4, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सो 14 × 14 एज इट इज आ गया, ये भी और कट हो जाएगा 6 और 20 से कट करेंगे हो जाएगा 3, दिस विल बी 11, सो ये हो गया 11/7 × 3 = 21 माइनस 1.73/4। अब आपको यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे लेना पड़ेगा, हमारे पास 21 और 4 है, सो 21 और 4 नॉर्मल को एलसीएम तो आएगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देते 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 84 आ गया हमारे पास, तो देयरफॉर इसका एलसीएम 84 होगा। सो नाउ आई हैव टू लव दिस पार्ट, सो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू, ये हमारे पास है 14 × 14 एज इट इज बाहर है, अंदर हमने अब एलसीएम ले लिया 21 और 4 का एलसीएम है 84, करेक्ट। अब 11 है, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये तो डायरेक्ट 44 हो जाएगा माइनस 1.73 है, इसको आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, सो ये तो हो जाएगा 371, 2 से करेंगे 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2 + 1 = 3, सो ये आ गया 6, 7, 8, 9 एंड दिस विद, ओह सॉरी सॉरी ये हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये आ गया 173, यहाँ पे क्रॉस आया 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, देन 2 × 1 = 2 + 1 = 3, दिस विल बी 3, 6 + 7 = 12, 13, देन 4, 5, 6 and 36, तो ये आ गया हमारे पास 36.33, करेक्ट। सो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 36.33, ओके। अब 44 में से आपको 36.33 माइनस करना है, ये 0, 0 हो गया, सो 10 − 3 = 7 एंड दिस विल बी 9, 9 − 3 = 6, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 13 बन जाएगा, 13 − 6 = 7 और ये 0 हो जाएगा, सो हमारे पास आ गया 7.67/84 और बाहर है 14 × 14। अब देखो यहाँ पे मैं कैट में शायद कट हो सकता है आगे, सो वी नो दैट 14 × 6 = 84, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, अब ये 6 और 14 भी कट हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3, दिस विल बी 14 से इसको कट करेंगे ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम कट कर सकते हैं, 7 + 7 = 14, सो ये तो हमारा कट होगा नहीं 3 से, न ये होगा, सो यहां से भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारे पास 7.67 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, सो 7 × 7 = 49, 7 × 6 = 42, 43, 44, 45, 46, ये हो गया 46, 7 × 7 = 49, 50, 53 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, सो वी हैव 53.69 upon 3, अब इसको हमें 3 से कैंसिल करना पड़ेगा, सो वी नो दिस इज गोइंग टू बी 3 × 1 बिकॉज हम ऐसे डायरेक्ट कर रहे, 3 से करने इजिली हो जाएगा, 3 × 1 = 3 बचा 23, तो ये हो जाएगा 7 × 21, सो बचा 26, सो 8 × 24, सो हमारे पास बचेगा अगेन 24 है, 29 बचेगा, सो इसको 9 से कर देंगे तो ये अप्रॉक्स 17 समथिंग आएगा, 17.89 हमारे पास आया और हमें फाइंड क्या करना था, इसका एरिया, सो देयरफॉर अगर ये एरिया है तो हमें सेंटीमीटर में गिवन है, सो वी राइट इट एज सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ सेट नंबर 3, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।